हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की बुक से पोयम नंबर 3, कीपिंग क्वाइट। ये जो पोयम है, इस पोयम के जो पोएट हैं वो पैब्लो नेरुडा जी हैं, और पैब्लो नेरुडा जी के बारे में अगर हम थोड़ी बात करें तो पैब्लो नेरुडा जी जो इस पोयम को लिखे हैं, इनका जन्म 1904 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1973 में हुई थी। और इनके पोयम की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये पोयम को बहुत ही आसान तरीके से लिखते हैं, और इसमें जो इमेज का यूज करते हैं, ये आकृतियों को दिखाते हैं, तो इससे इनकी पोयम बड़ी ही आसानी से बच्चों को समझ में आ जाती है। और इनके जीवन की एक विशेष उपलब्धि थी कि इन्हें जो है नोबल प्राइज से लिटरेचर के लिए सम्मानित किया गया था 1971 में। ये इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि फॉर लिटरेचर इन्हें जो है 1971 में नोबल प्राइज मिला था। और नेरुडा जी इस पोयम में, ये पोयम जो है हमारी कीपिंग क्वाइट, जो टाइटल आप देख रहे हैं, तो ये टाइटल हमें सजेस्ट करता है कि कीपिंग क्वाइट, क्वाइट मीन्स होता है शांत, कीपिंग रखना, तो स्वयं को शांत रखने की यहाँ पर अपील की गई है इस पोयम के माध्यम से। पैब्लो नेरुडा जी हम लोगों से ये अपील किए हैं, या पूरे वर्ल्ड से ये अपील किए हैं कि हम सभी को अपने दिन भर की जितनी भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, पूरा दिन भाग दौड़ में बीतता है, तो हमें अपने आप को शांत रखना चाहिए, और शांत रख करके खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, यानी हमें अपना जो है इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अर्थात आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तो कवि यहाँ पर एक अपील करते हैं कि हम लोग जो आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में पूरे दिन जो है किसी न किसी काम में लगे हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, तो हमें कुछ समय निकाल करके अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण में बैठना चाहिए, और अपने मन को एकदम एकाग्र करके, एकदम शून्य करके हमें आत्म अवलोकन करना चाहिए, स्वयं के बारे में सोचना चाहिए, स्वयं को जांचना चाहिए, स्वयं का परीक्षण करना चाहिए। और दूसरी चीज इसमें हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से जो मानव जीवन है, इस पृथ्वी पर जितने भी मानव जीवन है, सभी मनुष्य के साथ हमें किस प्रकार के आपसी तालमेल को बनाकर रखना चाहिए, इस चीज का भी हम अवलोकन करें। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम आत्मनिरीक्षण करने के लिए एकदम शांत होकर के एक स्थान पर बैठेंगे, और वहां पर ये सभी चीजों के बारे में सोचेंगे। आए दिन लोग एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, जलन रख रहे हैं, लोगों में मारपीट, युद्ध आए दिन होते जा रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक हम इस जीवन में अपने जीवन को समझें, इस पृथ्वी पर आने के उद्देश्य को समझें, यहाँ पर हमें मार करने के लिए या फिर लड़ाई करने के लिए ईश्वर नहीं भेजे हैं, तो इसी चीज, इन्हीं सब चीजों का जो जीवन में परिवर्तन हो रहा है, लोग जो है एक अलग दिशा की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो इन्हीं सब का अवलोकन मनुष्य करे और अपने आप को शांत रखे, स्वयं का निरीक्षण करे, और मनुष्य का जो जीवन है, जितने भी मनुष्य हैं सबके साथ किस प्रकार की हमें अंडरस्टैंडिंग रखनी है, इन सब चीजों को के बारे में सोचने के लिए वो अपने आप को शांत रखे और निरीक्षण करे। यही चीज इस पोयम के माध्यम से हमें पोएट बताए हैं, और यह पोयम जो है बहुत ही प्रभावित करेगी आपके जीवन को। अगर इस पोयम में जो कवि कहना चाह रहे हैं, इस चीज को आप लोग समझेंगे, तो ये आप लोगों का, जितने लोग इस पोयम को पढ़ेंगे, सभी लोगों के जीवन को ये पोयम कुछ ना कुछ प्रभावित करेगी। तो आइए देखते हैं कि पोएट जो पैब्लो नेरुडा जी हैं, वो इस पोयम की स्टेंजा में हमसे क्या अपील किए हैं, हम लोगों से क्या अपील किए हैं, या पूरे वर्ल्ड से क्या अपील किए हैं, अब वो क्या बताना चाह रहे हैं। आइए शुरू करते हैं इस पोयम को। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब देखिए, यहाँ पर जो पैब्लो नेरुडा जी हैं, वे पूरे संसार के लोगों से, संसार के जितने भी पूरे लोग हैं, सबसे ये अपील करते हैं कि नाउ, अब, वी विल काउंट, वी, हम विल काउंट, काउंट मीन्स होता है गिनना, अब हम गिने टू 12, 12 तक, 12 मीन्स होता है 12 तक, यानी अब यहाँ पर कवि हमसे कहते हैं कि हम 12 तक गिनती गिने। अब 12 तक गिनने का मतलब क्या है कि एक से लेकर 12 तक हम गिनती गिने, क्यों, क्योंकि
किस लिए 12 तक गिनती गिने, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और बता रहे हैं कि अब हम 12 तक गिने, एंड वी विल ऑल, और वी ऑल मीन्स सभी, हम सभी कीप स्टिल, स्टिल मीन्स होता है शांत हो जाना, एकदम शांत। अब हम 12 तक गिने और हम सभी एकदम शांत हो जाएं। यहाँ पर पोएट हमसे कह रहे हैं कि हम 12 तक की गिनती गिने और 12 तक की गिनती गिनने के बाद एक स्थान पर बैठ करके हम सभी एकदम शांत हो जाएं। अब 12 तक गिनने का तात्पर्य है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में और ग्राउंडों में जब बच्चों की दौड़ कराई जाती है तो वहाँ पर भी बच्चों को ये मतलब संकेत के रूप में गिनती गिनी जाती है। तो बच्चों को ये पता होता है कि जैसे ही हमको 1 2 3 3 जैसे ही बोला जाएगा 1 2 3, तो 3 पर बच्चों को एकदम निकल देना है। तो उसी के अनुरूप यहाँ पर भी पोएट बता रहे हैं कि अब हम सभी लोग 12 तक गिनती गिने और जैसे ही 12 गिनती आ जाए, 11 12 12 आ जाए, तो हम सभी लोग एकदम शांत हो जाएं, एक स्थान पर एकदम शांत हो जाएं। किस लिए शांत हो जाएं? इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, अपने आत्म अवलोकन के लिए, आत्म अवलोकन के लिए हम सब एकदम शांत हो जाएं। तब जब हम लोग शांत होंगे तो होगा क्या, किस प्रकार की दृश्य होगी? फार वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अब देखिए पोएट इसमें क्या बता रहा है कि फार वंस, फार मीन्स के लिए, वंस मीन्स एक बार के लिए, ऑन द फेस, ऑन मीन्स पर, द फेस, फेस मीन्स होता है चेहरा, यहाँ पर हो जाएगा सतह, एक बार के लिए सतह पर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के, अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी, एक बार पृथ्वी के सतह पर जब हम लोग एकदम शांत हो जाएंगे, लेट्स नॉट स्पीक, नॉट स्पीक, स्पीक मीन्स होता है बोलना, तो एक बार के लिए पृथ्वी की सतह पर नॉट स्पीक, नहीं बोलेंगे इन एनी लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा, एनी मीन्स किसी भी, और हम किसी भी भाषा में न बोलें, एक बार के लिए हम पृथ्वी की सतह पर शांत हो जाएं और किसी भी भाषा में न बोलें। अब देखिए पोएट यहाँ पर तो ये भी यूज कर सकते थे कि डोंट स्पीक एनीथिंग, मतलब हम कुछ न बोलें, लेकिन यहाँ पर एनी लैंग्वेज वो क्यों दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पूरे संसार के जितने लोग हैं, पूरे वर्ल्ड से वो अपील कर रहे हैं, मतलब कि जितने भी भाषा बोलने वाले लोग हैं सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि हम एक बार के लिए पृथ्वी की सतह पर हो जाएं और किसी भी भाषा में कुछ न बोलें। लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड, और स्टॉप हो जाए, रुक जाए, स्टॉप मीन्स होता है रुकना, फॉर वन सेकेंड, एक सेकेंड के लिए हम सभी लोग रुक जाए, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, एंड नॉट मूव, मूव मीन्स हो जाएगा हिलाना, और हिलाएं भी न आवर आर्म्स अपनी भुजाओं को सो मच अधिक, और अत्यधिक हम अपनी भुजाओं को हिलाएं भी न, यानी जब हम आत्मा अवलोकन के लिए बैठे, स्वयं को परीक्षण करने के लिए बैठे, तो उस समय हम, हमारे बॉडी में कोई एक्टिविटी ना हो, एकदम कोई हिलना डुलना ना हो, एकदम हम शांत होकर के बैठ जाएं। तो दोस्तों इस स्टेंजा में हम लोगों ने पढ़ा पैब्लो नेरुडा जी द्वारा बताई गई बातें कि हम लोग 12 तक गिने, अब हम 12 तक काउंट करें, गिने और हम सब एकदम शांत हो जाएं, और एक बार के लिए इस पृथ्वी की सतह पर किसी भी भाषा में कुछ न बोलें, एक सेकेंड के लिए शांत हो जाएं और अपनी भुजाओं को या अपनी शरीर को थोड़ा सा भी मूव न करें, थोड़ा सा भी हिलाएं न, एकदम शांति की अपील यहाँ पर कर रहे हैं कि एकदम शांत हो जाइए कुछ समय के लिए, हर काम को छोड़ दीजिए और कुछ भी मत बोलिए, केवल आत्म परीक्षण करिए। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि इससे क्या होगा, आगे क्या होगा, इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट, यह होगा एन एग्जोटिक, एग्जोटिक मीन्स होता है अनोखा, मोमेंट, मोमेंट मीन्स होता है पल, तब यह एक अनोखा पल होगा, विदाउट रस, विदाउट मीन्स बिना रस, मीन्स होता है भीड़ भाड़ के, तब यह एक बिना भीड़ भाड़ का अनोखा पल होगा,
विदाउट इंजिन्स और विदाउट बिना इंजिन्स, इंजन इंजन आप लोगों का क्या होता है दोस्तों, ये आप लोगों को पता होगा कि जो इंजन होते हैं यानी कि मशीनरियों के जो शोरगुल होते हैं वो भी नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट बता रहे हैं कि यह एक बहुत अनोखा पल होगा, बिना भीड़ भाड़ के और बिना किसी मशीनों के शोरगुल के एकदम शांति रहेगी, कुछ भी नहीं होगा और वी उल्ड आल बी टुगेदर। और जब हम लोग इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए जो है एक साथ होंगे तो होगा कि वी उल्ड आल बी टुगेदर, तो हम वी हम आल सभी बी टुगेदर, टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ होना, तो हम सभी एक साथ होंगे, हम सभी साथ साथ होंगे इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, इन ए सडन, सडन मीन्स होता है अचानक, और स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस मीन्स होता है विचित्रता, तब हम सभी लोग एक आकस्मिक या अचानक विचित्रता में एक साथ होंगे। यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब ऐसा होगा कि हम लोग आत्मनिरीक्षण करने के लिए एकदम एक स्थान पर होंगे तो यह बहुत अनोखा पल होगा, एक्जोटिक मोमेंट होगा, बिना भीड़ भाड़ के, बिना मशीनरियों के शोर शराबे के, और हम सब जो है एक आकस्मिक, एक अचानक जो विचित्रता है इसमें एक साथ होंगे। यहाँ पर पॉइंट ये बातें बताएं। अब देखिए आगे पॉइंट हमसे क्या बता रहे हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या बता रहे हैं कि जो फिशरमैन, फिशरमैन मीन्स होते हैं मछुआरे, जो मछली पकड़ते हैं वो फिशरमैन मछुआरे, इन ए कोल्ड सी, कोल्ड मीन्स होता है ठंडे, सी मीन्स हो जाएगा समुद्र। अब जो मछुआरे ठंडे समुद्र में मछलियों को पकड़ते हैं, अगर वह अपने आप को आत्मनिरीक्षण करने के लिए एक जगह पर स्थिर होंगे तो उससे क्या होगा, अभी तो जैसे अगर वो कभी शांत नहीं बैठते हैं, कभी आत्मनिरीक्षण के लिए एकाग्र नहीं होते हैं तो मछली पकड़ते रहते हैं, लेकिन जब मछुआरे जो ठंडे सागर में मछली को पकड़ते हैं, जब वो आत्मालोकन करने के लिए शांत होंगे तो उड नॉट हार्म वेल्स, तो उससे क्या होगा कि जिस समय वो आत्मनिरीक्षण करने के लिए एकाग्र होंगे तो उस समय नॉट हार्म, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा वेल्स, वेल्स मीन्स होती है मछली, जो सबसे बड़ी मछली होती है उसे वेल्स कहते हैं। तो अगर वो दिन भर मछली पकड़ रहा है और वो अपने आप को स्थिर नहीं कर रहा है तो आए दिन मछली को पकड़ेगा, उसे मारेगा, उसे बेचेगा, जो भी है, लेकिन अगर वो आत्मा अवलोकन करेगा, जितने समय तक वह अपने आप को एकाग्र करेगा, रोकेगा, एक स्थान पर स्थिर होगा, तो उस समय मछलियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, यानी कि मछलियाँ जो है कुछ दिन तक और जी सकेंगी। इसी बात को यहाँ पर ये बता रहे हैं पोएट कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरे इन द कोल्ड सी, कोल्ड मीन्स ठंडे, जो सी मीन्स सागर में है, वुड नॉट हार्म वेल्स, वे मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जो वेल्स मछलियां हैं। एंड द मैन, एंड और द मैन, आदमी, मैन मीन्स क्या होता है आदमी, और वह आदमी जो गैदरिंग साल्ट, गैदरिंग माने एकत्रित करता है, गैदर करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना, साल्ट, साल्ट मीन्स होता है नमक, और वह व्यक्ति जो समुद्र तट पर नमक को इकट्ठा करता है, तो वो दिन भर क्या करता रहता है कि नमक को इकट्ठा करता रहता है, फिर शाम होगी थक जाएगा, जाकर सो जाएगा, वो आत्मनिरीक्षण नहीं करता है, आत्म परीक्षण वो कभी करता नहीं है, शांत नहीं होता, तो वो क्या करता है कि अपने एक्टिविटी में लगा रहता है। तो जब वह शांत होगा, जब वह कुछ समय के लिए शांति रखेगा, स्वयं को शांत करेगा, तो उससे क्या होगा कि उल्ड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, तो उल्ड लुक वह देख सकेगा, देखेगा एट हिज हर्ट, हर्ट मीन्स होता है चोटिल, हैंड्स मीन्स हो जाएंगे हाथ, तब वह अपने चोटिल हाथों को देख सकेगा। अब यहाँ पर चोटिल हाथों का क्या मतलब है, चोटिल हाथों से मतलब यहाँ पर है कि जो व्यक्ति नमक को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, तो नमक के खारेपन से जो उसके हाथ में चोट हो जाती है, जो उसका हाथ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है,
तो जब वह अपने कामों में प्रतिदिन लगा रहता है तो वो अपने चोटिल हाथों को भी नहीं देख पाता है और फिर अगले दिन उसी काम में लग जाता है। तो जैसे ही वह कुछ समय के लिए अपने आप को एकाग्र करेगा, अपने आप को आत्मनिरीक्षण के लिए शांत करेगा, तो वह अपने चोटिल हाथों को देख सकेगा। इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं कि एंड द मैन, आदमी गैदरिंग साल्ट, जो नमक को एकत्रित करता है, वुड लुक, वह देख सकेगा, देखेगा एट हिज हर्ट, अपने चोटिल हैंड्स मींस हाथों को। तो इसलिए शांत रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी चीज को यहाँ पर जो पोएट है पैब्लो नेरुडा जी, वे बार बार हमसे अपील कर रहे हैं कि हम सभी को कुछ पल के लिए एकदम शांत हो जाना चाहिए, पूरे दुनिया की मोह माया को खत्म करके एकदम शांत होकर के केवल आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए। अब देखिए आगे क्या पोएट बता रहे हैं कि दोज हू प्रिपेयर ग्रीन वार्स, अब उन लोगों की बात कर रहे हैं, दोज हू, वे हूँ जो, दोज मीन्स वे हूँ जो प्रिपेयर, तैयारी कर रहे हैं ग्रीन वार्स, हरित क्रांति की, हरित युद्ध की। वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो पेड़ पौधों को काटने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रीन वार्स का मतलब हो जाएगा हरित युद्ध, और प्रिपेयर मीन्स होता है तैयारी करना, दोज मीन्स वे हूँ मीन्स जो, जो वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और किसकी कर रहे हैं, वार्स विद गैस, और गैस के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं कि किसी स्थान पर गैस को छोड़ दिया जाए, पूरे मानव वहां के नष्ट हो जाए, उनके लिए बात कर रहे हैं जो हरित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जो गैस युद्ध के साथ, गैस के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और वार्स विद फायर, और वे लोग जो वार्स विद फायर, फायर मीन्स होता आग, अग्नि के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पोएट यहाँ पर बता रहे हैं कि विक्टोरी, विक्टोरी मीन्स होता है विजय प्राप्त करना। अगर वो सब ऐसा कर रहे हैं, हरित युद्ध कर रहे हैं की तैयारी कर रहे हैं, गैस के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, फायर आग के साथ जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो विक्टोरी, विजय भी प्राप्त कर लें, जीत भी लें, तो विथ नो सर्वाइवर्स, विथ माने साथ, नो मीन्स नहीं, सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स मीन्स क्या होता है, सर्वाइवर मीन्स होता है उत्तरजीवी, तो उत्तरजीवी कौन होते हैं, बचे हुए लोग, तो उनके साथ कोई बचा हुआ व्यक्ति नहीं बचेगा, कोई नहीं रहेगा, यानी सर्वाइवर्स उनके साथ नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर इस लाइन के अर्थ को आप लोग समझेंगे कि जो लोग हरित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, गैस के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, आग के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो युद्ध में जीत भी गए तो उनके साथ बचे हुए लोग नहीं होंगे, और जब बचे हुए लोग ही नहीं होंगे तो उस जीत का क्या मतलब है। जब इस धरती का भोग करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं तो आप विजय प्राप्त करके क्या करेंगे। इसी चीज, इन्हीं सब चीजों के अवलोकन के लिए पोएट बार बार हमें, हमसे अपील कर रहे हैं हम लोगों से कि आप लोग जब एकाग्र होंगे तो इन सब चीजों को आप सोचेंगे कि आप हरित युद्ध कर लें, आप गैस के साथ युद्ध कर लें, आग के साथ कर लें और जीत भी जाएं, लेकिन जब आपके साथ बचे हुए लोग ही नहीं रहेंगे तो इस जीत का क्या मतलब है। और दूसरी चीज देखिए क्या बता रहे हैं कि अगर ये सब जो हैं, जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, आत्म अवलोकन के लिए अगर ये सब बैठते हैं, एकाग्र होते हैं और इन लोगों की मनोदशा चेंज होती है, तो ये इससे क्या होगा, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथेस, तो पुट ऑन माने पहनेंगे, पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, तो ये सब पहनेंगे क्लीन क्लॉथेस, साफ कपड़े। अब यहाँ पर पोएट साफ कपड़े पहनने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं लोग हैं, या जो युद्ध करते हैं, तो युद्ध में क्या होता है कि मारपीट होगी, तलवार से युद्ध होगा, गोली चलेगी, अनेक प्रकार के औजारों से जब युद्ध होगा, तो जो युद्ध करने वाले लोग होते हैं उन लोगों के जो कपड़े होते हैं, जो क्लॉथेज होते हैं, कपड़े होते हैं, वे हमेशा खून में सने होते हैं, तो वो कभी साफ कपड़े नहीं पहन पाते, लेकिन जब वो सब युद्ध करना बंद कर देंगे, आत्मावलोकन कर लेंगे, तो इसी चीज के लिए बता रहे हैं कि तब वो सब साफ कपड़े पहन सकते हैं। वुड पुट ऑन पहनेंगे क्लीन क्लॉथेस, साफ कपड़े पहनेंगे,
एंड वॉक अबाउट विद डियर ब्रदर्स एंड वॉक, वॉक मीन्स होता है टहलना, तो वो सब टहलेंगे जाएंगे, अबाउट विद माने साथ, डियर ब्रदर्स तब वे सब अपने भाइयों के साथ जाएंगे, कहाँ पर, इन द साइड, साइड मीन्स होता है छाया में, तो जहां पर वो आत्म अवलोकन के लिए बैठेंगे तो किसी छाव में ही बैठेंगे, शांत बैठेंगे तो किसी छाव में बैठेंगे, उसी छाया की बात यहाँ पर की गई है कि वो सब क्या करेंगे कि साथ साफ कपड़े पहन सकेंगे और अपने भाइयों के साथ एक छाया में जाएंगे, डूइंग नथिंग, और ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, डूइंग मीन्स करना, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि मानव जीवन की क्षति हो, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वो एकदम अपने भाइयों के साथ जाएंगे, उनके उनमें एक भाईचारे का संबंध स्थापित होगा, एक छाया में जा करके आत्मावलोकन करेंगे, इसी बात को यहाँ पर पोएट हमें बता रहे हैं। अब चलिए देखते हैं आगे की स्टेंजा में पोएट हमसे क्या बता रहे हैं। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इन एक्टिविटी। अब पोएट कह रहे हैं व्हाट आई वांट मैं चाहता हूं, जो भी मैं चाहता हूं, शुड बी नॉट कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड मीन्स होता है भ्रमित होना। अब पोएट ये बता रहे हैं कि हम जो चाहते हैं, जो आपको बताना चाहते हैं या जो हम चाहते हैं कि आप करें, इससे आप बिल्कुल भी भ्रमित मत होइएगा, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। कंफ्यूज मीन्स होता है भ्रमित होना, आपको भ्रमित नहीं होना है विद टोटल इन एक्टिविटी। टोटल मीन्स संपूर्ण, इन एक्टिविटी, इन एक्टिविटी मीन्स होता है निष्क्रियता, क्योंकि हम आपकी संपूर्ण निष्क्रियता नहीं चाहते हैं, आपको संपूर्ण निष्क्रियता के साथ जो हम चाहते हैं उसमें भ्रमित नहीं होना है। लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है, लाइफ मीन्स जीवन, इज मीन्स है व्हाट, क्या, जीवन क्या है, इट इज अबाउट इसी के तो बारे में है, इट या इज है अबाउट बारे में, जीवन क्या है, जीवन तो इसी के बारे में है ना, कि हम जो है स्वयं का निरीक्षण करें, स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रखने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, तो जीवन तो इसी के बारे में है, इस चीज को हम समझें। आई वांट नो ट्रग विथ डेथ, और यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि हम ये नहीं कहते कि आप इतना स्थिर हो जाइए कि अपने आप को मृत की भांति समझिए या आपकी मौत हो जाए, मौत से आप शांत हो जाए, इससे हमारा मतलब नहीं है। पोएट बता रहे हैं कि आई वांट, मैं चाहता हूं, नो ट्रक, कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ट्रक मीन्स होता है लेना देना, विथ डेथ, मृत्यु के साथ, शांति की जो हम अपील कर रहे हैं इससे हमारा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। आप ये ना सोचें कि हम ये चाहते हैं कि शांत होने की पॉइंट अपील कर रहे हैं तो मर जाना ही शांति है, नहीं, हमारा मृत्यु से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। और पोएट बता रहे हैं इफ, यदि वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, इफ यदि वी वेयर हम होते हैं, वी वेयर हम थे, नॉट मीन्स नहीं होते हैं, सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड का मतलब होता है एकाग्र, यदि हम एकाग्र नहीं होंगे, अगर हम एकाग्र नहीं होते हैं, अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग, किसके लिए हम एकाग्र नहीं होते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, यदि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एकाग्र नहीं होंगे, वही पोएट यहाँ पर बता रहे हैं, अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मीन्स जीवन को मूविंग मीन्स आगे बढ़ाने के लिए, इफ यदि वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकाग्र नहीं होते हैं, अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम एकाग्र नहीं होते हैं, एंड फॉर वंस, और फॉर वंस एक बार के लिए, कुड डू नथिंग, और कुछ भी नहीं करते हैं। अब यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि अगर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एकाग्र नहीं होते हैं और एक बार के लिए अगर हम कुड मीन सकते हैं, डू मीन्स करना, नथिंग, और एक बार के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, परहैप्स, शायद, ए ह्यूज साइलेंस, एक ह्यूज माने विशाल, जो साइलेंस है, चुप्पी है, जो शांति है, साइलेंस मीन्स होता है चुप्पी, एकदम शांति, अगर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एकाग्र नहीं होते हैं और एक बार के लिए अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं,
तो शायद एक बड़ी ह्यूज साइलेंस आएगी, एक बड़ी शांति आ जाएगी, माइट इंटरप्ट, और जो इंटरप्ट कर देगी, बाधित कर देगी दिस सैडनेस, इस सैडनेस माने दुख को, सैडनेस मीन्स दुख को, जो शायद इतनी बड़ी शायद को शांति होगी कि वह हमारे सैडनेस इस दुख को बाधित कर देगी। किस दुख को? आप नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, नेवर मीन्स कभी नहीं, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना, आवर सेल्फ मीन्स स्वयं को, कि हम अपने आप को कभी समझ नहीं पाएंगे अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एकाग्र नहीं होते हैं, और कुछ पल के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो इससे एक बहुत बड़ी चुप्पी छा जाएगी हम लोगों के ऊपर, जो हमारे सैडनेस को इंटरप्ट कर देगी, बाधित कर देगी, और हम नेवर कभी नहीं अंडरस्टैंडिंग समझ पाएंगे आवर सेल्व्स, स्वयं को, एंड आर थ्रेटेनिंग, जो थ्रेटेनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ, और जो हमारे अंदर मृत्यु का भय है, डेथ मीन्स मृत्यु का, थ्रेटेनिंग मीन्स जो भय है स्वयं, इससे भी हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, यानी जो मृत्यु का भय हम लोगों के अंदर बना रहता है, इससे हम लोग भी कभी नहीं निकल पाएंगे। और जब हम लोग आत्मावलोकन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, तो हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से ज्ञान होगा कि हम लोगों का जो जीवन है इस धरती पर, ये अस्थाई नहीं है, बल्कि ये अस्थाई है, इसका अंत कभी भी हो सकता है। इसलिए जो मृत्यु का भय एक लगा होता है, जो डर सा रहता है, वो डर हमारे अंदर से निकल जाएगा। इस चीज़ को पोएट यहाँ पर बताए हैं। अब देखिए आगे पोएट हमसे क्या बताते हैं, इसको पढ़ते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Perhaps शायद, perhaps means होता है शायद, the earth पृथ्वी can teach us, can means सकती है, teach सिखाना, us means हमें, शायद यह पृथ्वी हमें सिखा सकती है, as when everything, when जब everything सभी चीजें seems dead मृत प्रतीत होती हैं, seems means होता है प्रतीत होना, और dead means होता है मृत मरी हुई, तो शायद पृथ्वी हमें ये सिखा सकती है जब सभी चीजें मरी हुई प्रतीत होती हैं, and और later बाद में proves यह प्रमाणित करती हैं, सिद्ध करती हैं कि to be alive की ये चीजें जिंदा है। यहाँ पर कहने का मतलब पोएट कर रहे हैं कि पृथ्वी हमें इस चीज को सिखा सकती है कि इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो पेड़ ले लीजिए, नदी ले लीजिए, कंकड़ ले लीजिए, जितनी भी चीजें जो हमें मृत प्रतीत होती हैं, वो बाद में हमें ये प्रूव कर देती हैं कि वो जिंदा है, वो जीवित है, वो लेटर में इस बाद में प्रूव्स करती हैं, सिद्ध करती हैं टू बी अलाइव कि वो जीवित है, इस चीज को हमें सिद्ध करती हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, नाउ अब आई, मैं काउंट करूंगा, गिनूंगा, अप टू 12, अप टू का मतलब तक, 12 मीन्स 12, अब पोएट कह रहे हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और यू कीप क्वाइट, यू तुम कीप रखिए, क्वाइट माने शांत, अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप स्वयं को शांत रखिए, कुछ पल के लिए अपने आप को शांत रखिए और आत्म अवलोकन कीजिए, स्वयं के बारे में सोचिए, इस जीवन के बारे में सोचिए, एंड और आई विल गो, और मैं क्या करूंगा, चला जाऊंगा। तो पोएट यहां पर बताएं कि अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप एकदम शांत हो जाइए और मैं चला जाऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस पोयम में पोएट जो पैब्लो नेरुडा जी हैं हमसे अपील किए हैं कि हम लोग अपना आत्मनिरीक्षण करें, आत्म परीक्षण करें, अवलोकन करें, खुद को जांचे और अपने जीवन के का जो ये समय चल रहा है उसी में से कुछ समय निकाल करके, जो भाग दौड़ भरी हम लोगों की जिंदगी चल रही है, इसमें से कुछ पल को निकाल करके हम आत्म अवलोकन करें, चीजों को समझें, महसूस करें, ताकि हम लोगों का जीवन काफी आसान और सरल हो सके। तो इस प्रकार से ये पोयम आप लोगों की दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि ये पोयम आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब आप लोगों से फिर अगले पोयम में मुलाकात होगी, तब तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।